देवानंद, राज कपूर, राजेश खन्ना, दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, ऑल द बिगेस्ट स्टार्स केम एंड वेंट, लेकिन अमिताभ बच्चन ये इकलौता ऐसा सुपरस्टार है जो कि पिछले 55 सालों से बॉलीवुड में डटा हुआ है। लेकिन इनकी लाइफ में भी एक ऐसा फेज आया था व्हेन ही हैड नो मूवीज, नो मनी, हिज स्टारडम वाज गॉन। दैट ईयर वाज 1999 जब उनके ऊपर 100 करोड़ का कर्ज हो गया था, आज के हिसाब से 500 करोड़। अमिताभ बच्चन के राइज, फॉल और राइज अगेन की इसी स्टोरी को डिटेल में जानेंगे, एंड तक जरूर देखना। मेरे अंतिम युद्ध का समय आ गया है। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट, अमिताभ ने 1969 में मूवी सात हिंदुस्तानी के साथ अपना डेब्यू किया था, जो कि भले ही फ्लॉप रही, लेकिन ही वॉन हिज फर्स्ट नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट न्यू कमर। फिर उनकी दूसरी और बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक मूवी आई आनंद, लेकिन उसमें लीडिंग रोल राजेश खन्ना का था। अमिताभ प्लेड दी सपोर्टिंग कैरेक्टर एंड ही गॉट फिल्म फेयर फॉर दिस। मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। पर उसके बाद उनकी लगातार 11 फिल्में फ्लॉप रही, अंटिल ही गॉट जंजीर इन 1973, जो कि उन्हें किस्मत से ही मिली, एज उस टाइम के सुपरस्टार्स धर्मेंद्र और दिलीप कुमार ने इस मूवी को रिजेक्ट कर दिया था। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। जंजीर के बाद अमिताभ गॉट द टाइटल ऑफ द एंग्री यंग मैन। ही वॉज अ न्यू टाइप ऑफ एक्शन हीरो ऑफ हिज टाइम। उसके बाद उनके सक्सेस की तो रेल नहीं, सीधा प्लेन उड़ी। I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. रोटी, कपड़ा और मकान, दीवार, शोले, अमर अकबर, एंथनी, डॉन, मिस्टर नटवरलाल, शान, नमक हलाल जैसी कई ब्लॉकबस्टर मूवीज थी। He was now the superstar. हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। उनके घर के बाहर डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी रहती थी। उनके स्टारडम का लेवल ऐसा था कि फ्रांस के दादा साहेब फाल्के माने जाने वाले डायरेक्टर और एक्टर फ्रांसवा ट्रुफॉ ने उन्हें वन मैन इंडस्ट्री बोल दिया। वो 70s का दौर था जब अमिताभ अपने करियर के पीक पर थे। दाम को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन 80s में चीजें बदलती गई। पहला 1982 में कूली की शूटिंग के दौरान हुई डेडली इंजरी, दूसरी कूली के बाद रिलीज हुई सभी फिल्मों का फ्लॉप होना। उनकी उम्र भी बढ़ रही थी एंड ही वॉज नॉट एजिंग वेल। बिगड़ती चीजों को देखते हुए ही डिसाइडेड टू ज्वाइन पॉलिटिक्स इन 1984, प्लस कांग्रेस लीडर राजीव गांधी उनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड भी थे। सो ही गॉट द टिकट फ्रॉम हिज प्लेस अलाहाबाद, जहां उन्होंने जीत का वो रिकॉर्ड बनाया जिसे आज तक तो कोई नहीं तोड़ पाया है। ही गॉट लैंडस्लाइड विक्ट्री इन दिसंबर 1984 अगेंस्ट अ वेरी वेटरन पॉलिटिकल लीडर ऑफ भारतीय लोकदल HN बहुगुणा, who was also the former chief minister of UP. Lekin phir aaya 1987 jab un par Bofors ghotale ka ilzam laga and he resigned. Samandar mein tairne wale kuon aur talabon mein dubkiyan nahi lagaya karte. After this year he decided to focus on his films, lekin wo bhi chalna band ho gayi thi. He realized ki acting ki jagah dusra business start karna hi padega. So, he established his event management and production company, Amitabh Bachchan Corporation Limited or ABCL in 1995. तो इसका पहला साल काफी अच्छा चला when they produced the TV show देख भाई देख, लेकिन 1996 में उनके लिए पुनौती बनकर आई मिस वर्ल्ड पेजेंट शो, जिसे पहली बार इंडिया में ऑर्गेनाइज करने का जिम्मा बिग बी ने इस कॉन्फिडेंस से उठाया कि इंडियंस के लिए ये कुछ नया होगा, इसलिए इट विल वर्क। लेकिन उन्हें इसके लिए कोई भी स्पॉन्सर नहीं मिला, क्योंकि बाकी लोग उनकी तरह ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बल्कि लॉजिक के साथ चल रहे थे। इंडिया में आम पब्लिक से लेकर एक्टिविस्ट और फेमिनिस्ट तक इसका विरोध कर रहे थे। फॉर राइट विंग ग्रुप इट वॉज अगेंस्ट इंडियन कल्चर, वही फेमिनिस्ट क्रिटिसाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एज अ कमोडिटी। इट इज बेसिकली अगेंस्ट द
वीमेनहुड ऑफ इंडिया। अब इससे पीछे हटने की बजाय बिग बी ने इसे अपने बल पर ही करवाने का ठान लिया। लेकिन प्रोटेस्ट इस लेवल तक बढ़ गया कि लोगों ने मास सुसाइड की धमकी दे दी। इस दौरान एक आदमी की डेथ भी हो गई, इसीलिए ABCL को मजबूरी में बिकनी राउंड ईस्ट अफ्रीका के सेशल्स में करवाना पड़ा, जिसकी वजह से खर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और स्पॉन्सर्स नहीं होने की वजह से अमिताभ को इससे जीरो प्रॉफिट हुआ। लेकिन हमारे जख्मों को भरने के लिए ना कोई मरहम है, ना पट्टी है, ना अस्पताल है। इसके बाद इन्होंने कई फिल्में भी प्रोड्यूस की, जैसे मृत्युदाता, लाल बादशाह एंड सूर्यवंशम इन 1998, जिसमें मजबूर होकर ये खुद ही हीरो बनते थे क्योंकि उस टाइम के सुपरस्टार शाहरुख और सलमान को कास्ट करने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। 1997 में वो सुनील शेट्टी स्टार भाई को प्रोड्यूस करने वाले थे, लेकिन सारी तैयारियां होने के बाद ही बैक्ड ऑफ। एंड में सुनील ने खुद ही इसे प्रोड्यूस किया एंड इट टर्न्ड आउट अ ब्लॉकबस्टर। बिग बी ऑब्वियसली रिग्रेटेड दिस डिसीजन। तब फिल्में सिर्फ सुपरस्टार की शक्ल देखकर ही सुपरहिट हो जाती थी, लेकिन अमिताभ अब सुपरस्टार नहीं थे। उनकी फिल्मों को कोई देखने नहीं गया और 1999 में ही बिकेम ऑफिशियली बैंकरप्ट, जब बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन ने ABCL को एक बीमार कंपनी घोषित कर दिया, जिसमें इन्वेस्टमेंट करना मतलब पैसा डूबने की गारंटी। उनके घर पर अब डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स फिल्में नहीं बल्कि लेनदार अपने पैसे वापस लेने के लिए लाइन लगाते थे। इनमें से एक डिंपल कपाड़िया भी थी, जिन्होंने बिग बी को पैसों के लिए इतने कॉल्स किए कि उनके नाम से भी वो डरने लगे थे। अभिषेक को बॉस्टन यूनिवर्सिटी में अपना ग्रेजुएशन छोड़ना पड़ा। And I left my education because my father was going through this really rough time. I've always believed that when everything is going wrong, go back to basics. Amitabh decided to go to basic. He decided to return acting, lekin is bar apna superstar wala ego side karke sabhi role ko accept karna tha. वो खुद यशराज के पास गए और उनसे कहा कि मुझे फिल्म दे दो, मेरी सिचुएशन बहुत खराब है। तब यश हेल्प्ड हिम बाय गिविंग द नेगेटिव रोल इन मोहब्बते, व्हिच इज फेमस टिल नाउ। उसके बाद ही डिड हिज सेकंड ब्लॉकबस्टर कभी खुशी कभी गम इन 2001 एंड ब्लैक इन 2005। ही वन नेशनल अवार्ड्स फॉर बोथ। फिर 2000 में उन्होंने फेमस ब्रिटिश शो हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर का इंडियन वर्जन कौन बनेगा करोड़पति को प्रोड्यूस और होस्ट किया, विच चेंज्ड हिज लाइफ और जस्ट ब्रॉट इट टू नॉर्मल। एक एक पाई जो है सबका घर जा करके हमने लौटाया, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोई जो लकड़ी काटा हो किसी ने हमारे सेट के ऊपर, उसको पर्सनली जा करके हमने पैसा वापस किया। लेकिन चीजें यहीं पर खत्म नहीं होती। ABCL भले ही डेट फ्री था, लेकिन प्रॉफिट तो वो अभी भी नहीं कर रहे थे। अमिताभ ने इसे 2003 में AB कॉर्प्स, दैट इज अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन के नाम से रीलॉन्च भी किया, बट इट वॉज इनएक्टिव। ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पर था AB कॉर्प्स जब 2007 में ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी हुई। उसके बाद तो जैसे ऐश्वर्या ने उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली टू मेक इट अ बिग बैनर प्रोडक्शन हाउस। नतीजा प्रोड्यूसिंग पाय इन 2009 जो बनी थी 14 करोड़ में, लेकिन इसने कमाए 50 करोड़। अकॉर्डिंग टू इट्स डायरेक्टर, ऐश्वर्या ने खुद इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्लान की थी। वो इनफैक्ट बाकी मूवीज के लिए डायरेक्टर को फाइनलाइज करने का काम भी बहुत स्मार्टली करने लगी थी। हालांकि इसमें फाइनल अथॉरिटी जया और अभिषेक ही थे, लेकिन इसकी सारी प्लानिंग ऐश ही संभाल रही थी। देयर लास्ट प्रोडक्शन वॉज घूमर, जिसका क्रिटिक तो काफ़ी सही था, लेकिन 20 करोड़ में बनी ये मूवी 7 करोड़ कमा कर फ्लॉप हो गई। एनीवेज ABCL या AB कॉर्प्स अभी तक चल रही है। वैसे इसके घाटे के लिए भले ही अमिताभ खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हों, लेकिन ऑफिशियली इसका बेड़ा उनके CEO संजीव गुप्ता पर डाल दिया गया, हु लेटर बिकेम द CEO ऑफ Coca-Cola। वेल थिंग्स डोंट एंड हियर। 2016 में इंडियन एक्सप्रेस ने खुलासा किया कि अकॉर्डिंग टू पनामा बेस्ड लॉ फर्म मोजाक फोंसेका, ABCL खोलने से पहले बिग बी ने ऑलरेडी ऑफशोर टैक्स हेवन कंट्रीज में अपनी 4 शिपिंग कंपनीज खोल रखी थी। टैक्स हेवन कंट्रीज वो देश होते हैं जहाँ टैक्स रेट काफ़ी लो होता है और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट टैक्स के पैसे बचाने के लिए इन देशों में इन्वेस्ट करते हैं।
हालांकि अमिताभ ऑलवेज रिफ्यूज दिस क्लेम ऑब्वियसली ही सेड दैट हिज नेम वाज मिसयूज्ड। अब पास की सच्चाई जो भी हो, प्रेजेंट ये है कि अमिताभ अभी इकलौते ऐसे सुपरस्टार है जो 80 प्लस की उम्र में भी बॉलीवुड में रूल कर रहे हैं। That's all for today. आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना। If you like this video, don't forget to like, share and subscribe our channel. Goodbye.